ब्लॉग बना रहा है। मेरे को लगा अब साला मर गया, इसको मैं लेके आया मेरी जिम्मेदारी पे, मर जाएगा मैं क्या करूँगा। तो हेलो गाइस, स्वागत है सबका एक बहुत से साथ है नील भाई और यूट्यूब का सबसे बड़ा मतलब है ना कोलैबोरेशन हो रहा है 750 सब्सक्राइबर के साथ बोरिवली ब्रदर्स, 91 सब्सक्राइबर्स के साथ निक्स व्लॉग्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं चिंचपोकली लालबाग। तो आज मतलब हम लोग पाटकूजन में सोच रहे थे जाने का, बट पॉसिबल नहीं क्योंकि मेरे घर पे पूजा भी है, गणेश साथ भी यही हुआ था इसके लिए अटक गया था। तो फिर हम लोग जाएंगे सिर्फ ऐसे दूर से दर्शन कर लेंगे और वहाँ पे जो वर्कशॉप्स में गणपति बन रहे थोड़ा बहुत वो दिखाएंगे ऊपर से और ऐसे ही नॉर्मल डे आपको बताएंगे कैसा रहेगा। और भाई व्याज ब्लॉग बनेंगे तो जिन लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है निक्स ब्लॉग को जाके सब्सक्राइब करो कॉमेडी शॉर्ट्स और अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग दहीसर स्टेशन पे है, रेनकोट पहन के बारिश आ रही है, तो चलते दादर एंड वहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू करते। आप देख सकते हो बाहर बहुत डेंजर बारिश हो रहा है। फिलहाल तो अभी अपन है अभी चिंतामणि के मंडप में, आपको मालूम है मेरा क्या कनेक्शन है पापा के साथ। फिलहाल तो यहाँ पे सब तैयारी हो रहा है, आज पाठ पूजा है तो सब डीजे वीजे देखो स्टेज वेज लगा है, बारिश भी बहुत ज़ोरदार है, आगे बड़े बड़े स्पीकर्स लगे पड़े हैं एंड बैरिकेड्स अभी से मार के रख दे। यहाँ पे वो फेमस वो जो टनल है वो है, निक्स भाई वीडियो बना रहे सब बता रहे हैं। यहाँ पे सब अंकल कार्यकर्ता लोग बैठे हैं, यहाँ पे पीछे सेटअप है, चिंतामणि का लोगो भी है। देखो भाई एक तरीके से मैं अंदर, क्योंकि मेरे को पाटकूजन में रहने का मौका नहीं मिलेगा, मेरे को निकलना पड़ेगा, बट यार ऐसा रहने का मौका नहीं मिलेगा, बट हम लोग सिर्फ अभी आए, मैं यहाँ पे आ गया ना मेरा दर्शन हो गया, मैंने ऐसे समझ लिया। अभी हम आगे जाएंगे थोड़ा बहुत देखते, फिलहाल तो बारिश बहुत है। तू कुछ खाएगा? नहीं यार, भूख तो वैसे ही मिट जाती है सब चीज़ से, बट तो भी दिखे फिलहाल बाहर तो एकदम चंपू हो गए, रेनकोट के बावजूद यह हाल है हमारा। और हम लोग को बीच में एक अंकल मिले और मैं सच बताता हूँ हमेशा ना मेरे को जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा ना एक ऐसे मिलते हैं ना मेरे को, हमेशा अच्छा कुछ बताएंगे, हम लोगों को हमेशा गाइड करेंगे। तो आज भी हम लोग को मिले इसलिए उनका वीडियो थोड़ा बहुत निकाला है। और अंकल हम लोग को परेल से मिले, वहाँ से आते थे, उन्होंने इतना बात हम लोग को बताया ना दादर का, चिंचपोकली का, लालबाग के राजा का, सबका बहुत कुछ अंदर अंदर का बात भी बताया। वो अभी इतना बताने जाऊँगा तो थोड़ा सीन बड़ा हो जाएगा। फिलहाल चलते अब यहाँ से कहाँ जाना है तेरे को? चलते कहीं ना कहीं, चलो फिर लालबाग निकलते, वहाँ से फिर होते इसको परेल वर्कशॉप और थोड़ा बाकी के आजू बाजू अगर वर्कशॉप अगर पॉसिबल हुआ तो दिखाएंगे एंड भाई को मज़े करवाने फुल। गाइस तो अभी हम लोग आ गए वही फेमस ब्रिज जो आप लोग हर एक वीडियो में देखते हो, हर एक गणपति के आगमन में देखते हो, ये वाला लालबाग का ब्रिज ये देख लो भाई, नॉस्टैल्जिया ओए होए, सारे गणपति यहाँ से आती है। फिलहाल तो अभी मैं खड़ा हूँ मुंबई राइजेस के सामने। अभी आप लोग को मालूम नहीं इसके साथ हम लोग की बहुत यादें जुड़ी है, तो आपने बब्बू को देखा ही होगा मेरे उसमें, तो बब्बू देख ले यहाँ मैं खड़ा हूँ और कार्तिक भाई याद होगा तो आपको कभी बताऊंगा। तो सामने काला चौकी भाई हम लोग रिपोर्टर लग रहे दोनों जन, पूरे चिंचपोकली काला चौकी के बीच में रह के वीडियो बना रहे। अभी फिलहाल यहाँ से जाते हम लोग अभी लालबाग चले, लालबाग लालबाग चला चला। तो अभी हम लोग मेन मंडप में आ गए, यहाँ पीछे लालबाग सा राजा मूर्ति अभी तो शायद से बनना नहीं शुरू हुई होगी, बट फिर भी यहाँ पे मंदिर भी है ये देखो।
वाह। चलो मंदिर के भी दर्शन करते हैं। हम लोग पूरे भीगे हुए तो अंदर शायद नहीं जा पाएंगे। फिलहाल तो ये स्टेज बन रहा है जहाँ पे अपने राजा विराजमान होंगे। और वहाँ देखो लालबाग भाई बहुत सॉलिड ब्लॉग बना रहा है, डेंजर एकदम। ऐसा रख ऐसा रख, मस्त लग रहा है भाई वो। देखो गाइस, चलो एक बार अंदर जाते एक बार दर्शन कर लेते हैं मंदिर में, फिर यहाँ से जाएंगे अभी हम लोग मुंबई का राजा। मतलब यहाँ पे लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक पॉजिटिव जगह है, वो लालबाग का राजा का वो वहाँ से बोलते ना एक वजूद वो हटाते नहीं है हमेशा, वहाँ पे उनका पत्थर है उनके नाम का। और मेरे को इतना नॉलेज नहीं है तो मैं अगर कुछ गलत बोलूँगा तो सॉरी, बट सब लोग यहाँ पे इसके लिए पैर पड़ के जाते हैं और ये कभी यहाँ से हटता नहीं है, तो एक बार हम भी पैर पड़ लेंगे एंड फिर जाएंगे। अंकल भी आ रहे हैं। MS. लोगों ने गाइस अंकल को पूछने की कोशिश की, अंकल थोड़ा शर्मा रहे थे वीडियो में आने को, बट उन्होंने बताया कि ये एक रिचुअल हो गया है कि वो पत्थर अब वहाँ से हटता नहीं है। सब लोग एक हर एक नया काम शुरू करने के लिए दिन की शुरुआत सब लोग यहाँ से पैर पड़ के करते। आप भी देख रहे हो ना कंटिन्यूसली कोई रुक नहीं रहा, देखो हर कोई आके यहाँ पे पैर पड़ के जा रहा है। मैंने भी पढ़ा, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आया, बहुत अच्छा लगा उसे तो। एंड जब पप्पा का मर्जी होगा तब हमको बुलाएंगे, हम फिर आएंगे और आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो आप भी दर्शन ले लो एंड आगे बढ़ते। तो गाइज फाइनली गणेश गली हम आ गए। टी शर्ट की फोटो देख लो, जिसको बुकिंग करना है डिटेल्स यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट मार लो। फिलहाल तो बारिश बहुत आ रही है। गणेश गली से हम कहाँ जाने वाले हैं? अभी सीधा घर, लेट हो रहा है। फिलहाल तो यहाँ पे सब पाद्य पूजन का सब तैयारी चल रहा है, बारिश बहुत है। देखो स्टेज बांधा हुआ है, डीजे एंड लाइटिंग्स यहाँ पर है, बारिश बहुत आ रही है भाई, रिस्की लग रहा है वीडियो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे वहाँ से भाकरवड़ी ले ली थी, थोड़ी भूख लगी थी इसके लिए। एंड फिलहाल तो गाइस और अभी इधर बारिश बहुत हो रही है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्या पता सस्ते व्लॉगर भाई पूरे फोन की वाट लग गई है। अंदर जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे पूरा काम चल रहा है, तो लोग जाने देंगे नहीं, तो फोन भी मेरा भीग रहा है, तो फिलहाल रिस्क नहीं लेते, चलते हम लोग दादर विरार, दादर से विरार। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग उधर आ गए जहाँ से अपने सावरपाड़ा का राजा का आगमन होता है, अरुंधति वर्कशॉप में। कल आ चुका था बट मैंने दिखाया नहीं। देखो यहाँ से अपनी गणपति गैसर इधर से आई थी, फिलहाल तो इधर अरुंधति का वर्कशॉप है, उसके आगे जाओगे तो गणसंकुल है जहाँ पे हमारी गणपति बनती है। तो इसने तो कभी नहीं देखा है, ये देख के ना एकदम डर जाएगा शॉक से एकदम। इसको अच्छा भी लगता है और ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो मेरे को इसको घुमाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये अपनी मोनोरेल जा नहीं रही फिलहाल, तो पहला अभी आप जाते हम लोग अरुंधति वर्कशॉप, फिर वहाँ से डायरेक्ट करी रोड से ही हम लोग निकल जाएंगे, या तो फिर लोअर परिल, क्या बोलते हैं वेस्टर्न में डायरेक्ट जाना है कि सेंट्रल के थ्रू, जो मिलेगा उसमें मिलेगा तो बहुत कुछ ले लेंगे। गाइस दिस इज अरुंधति वर्कशॉप, इसका रिएक्शन देखो। ये देखो गाइस, वैसे मैं आपको वीडियो ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि गणपति बापा पूरे रेडी नहीं हुए, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना, बट क्या करेगा, अगर आप लोग को पसंद है देखना तो हम लोग थोड़ा सा अभी थोड़ा लिमिट में दिखाएंगे, ज़्यादा पूरा अरुंधति वर्कशॉप पे जो कि है इधर कहाँ है
करी रोड, करी रोड पे, और अभी हम वहाँ पहुँच ही चुके हैं। देखो यहाँ परल सा महाराजा भी यहाँ पर ही बनते हैं, अपने मलबा रील सा राजा भी वहाँ पर ही बनते हैं। ये देखो ये गणपति का हाइट कितना बड़ा है, ये अंकल देख लो, और गणपति का हाइट देखो कितना जा रहा है, बहुत ऊँची है। फिलहाल तो यहाँ पे काम ज़्यादा चल रहा है, इनको इंटरप्ट नहीं करना। बहुत सही, बहुत सही, प्यारी प्यारी मूर्ति। अभी जब जब कलर हो जाएंगे ना तभी बहुत मज़ा आएगा। और गए बार जब मैं एक बार आया था तभी सार्थक इधर आके डर गया था, तभी कुछ वक्त काम चल रहा था, कुछ जनरेटर ओपन हुआ और इतना जोर से आवाज़ आया, सार्थक सो गया सीधा जमीन पे। पप्पा मेरे को माफ़ करो, इतना कॉमेडी करते ऐसे गिर गया, मेरे को माफ़ करो, मेरे बुरे कर्म सब मैं सब छोड़ दूंगा, ये वो मेरे को माफ़ करो, ऐसा गिरा। मेरे को लगा अब साला मर गया, इसको मैं लेके आया मेरी जिम्मेदारी पे, मर जाएगा मैं क्या करूँगा। उसको दो लाफा मारा सब जोर जोर से, तब जाके ना वैसा हुआ, हाँ ऐसा एकदम हुआ, उसको होश में आया, पागल हो गया था एकदम। फिलहाल तो इधर ये मूर्ति को धोती पहना दिया है, धोतर भाई साहब सिनेमैटिक्स ले रहे, ओम फो उभरता हुआ यूट्यूबर। सो गाइस फाइनली हम लोग गण संकुल में आ गए, एंड यहाँ पे गण संकुल में छोटे छोटे देखो कितने प्यारे प्यारे मूर्ति है। यहाँ पे ऐसी छोटी मूर्तियों की भी बहुत सारे वर्कशॉप्स है, 15-20, एंड यहाँ पे अपनी मेन बड़ी बड़ी गणपति, कितनी प्यारी प्यारी मूर्ति है देखो गाइस, मस्त। यहाँ पे मैं भी आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, एंड आपको बता दूँ मेरे एरिया के गणपति भी यहाँ पर ही बन रहे हैं। मैं क्लू और हिंट नहीं दूंगा, जाने दो, सारे तुमको दिखाने में जो मजा आना वैसा क्लू हिंट में नहीं है। तो फिलहाल ये देखो ये भी, और मुझे सबसे फेवरेट ये वाली लगती है। वैसे तो सभी ये बड़ी स्वामी समर्थ के जो स्वरूप में कितनी प्यारी मूर्ति है, एंड यहाँ पर भी सारी बड़ी बड़ी गणपति बन रही है, एंड वहाँ पर भी है सब। तो आपको थोड़ा सा और के लिए है नहीं सर, बता रहा हूँ, एंड निकलते क्योंकि और मेरे मम्मी पापा पहुँच गए विरार, जैसे बोल रहे थे पूजा है, और मेरे को भी निकलना पड़ेगा, बहुत टाइम हो जाएगा। फिलहाल हम लोग अभी रिटर्न जा रहे हैं, एंड अभी हम लोग थोड़ा सा भाकरवाड़ी खाएंगे, वो भी ब्लॉग बना रहे हैं। बाकी अभी मैं ब्लॉग इधर एंड करता हूँ, आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, एंड अभी कंटिन्यू ना, अभी धीरे धीरे गणपति के वीडियोस रोज आएंगे, ठीक है। गणपति अपन बोल रहे हैं थोड़ा भाकरवाड़ी खाते एंड विरार जाते हैं। लाल गुलाल आभाळी उडवी लाठोले चढ़वी ला।
श्रृंगार खड़वीला।